अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन रट्टा मारने का नाम नहीं बल्कि एजुकेशन सोचना सीखने का नाम है। तो क्या आपको सोचना आता है? क्या आप सोचते हो? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पर सोचना ज़रूर। आपने पहले से लेकर 12वीं तक 12 साल आपने स्कूलिंग में लगा दिए, फिर 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसमें 3-4 साल और लग गए, 15-16 साल आपने अपनी लाइफ के फॉर्मल एजुकेशन में दे दिए। उसके बाद जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अपना रेज्यूमे बनाते हो, तो उस पर लिखते हो एक्सपीरियंस में फ्रेशर। अब आप मुझे बताओ, एक किसी काम में आपने 15-16 साल दे दिए हैं और आप फ्रेशर के फ्रेशर ही रहे, कैसे? क्योंकि आपने फॉर्मल एजुकेशन तो ले ली, लेकिन 15-16 साल दे दिए, लेकिन आपने 2 साल भी किसी एक स्किल को पकड़ कर उसमें मास्टरी करने में नहीं लगाया। मैंने कई सालों पहले एक कोट पढ़ा था, मेरे दिमाग में छप गया वो, कि इग्नोरेंस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम बट इनएक्शन। हमें पता नहीं है, यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब पता है क्या करना है, कहाँ से सीखना है, लेकिन हम आलसी हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं। आपको पता है, दुनिया में जो वो लोग जिन्होंने कुछ उखाड़ा है और वो लोग जो कुछ नहीं कर पाए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क यही होता है कि वो इंसान जिसने कुछ उखाड़ा है, जब वो ये फैसला करता है कि उसे कोई काम करना है, मान लो कि उसने 10 बजे कोई काम करने का डिसाइड किया, तो 10:01 पर वो कोई ना कोई एक्शन भी लेगा उसके लिए, भले ही बहुत छोटा एक्शन हो, बट वो एक्शन लेगा। और वहीं एक आम आदमी जब वो सोचता है कि उसे कुछ करना है, तो वो हफ्तों, महीनों, सालों, पूरी ज़िंदगी कई बार कोई एक्शन नहीं लेता है और अपने आइडिया के साथ ही वो मर जाता है। किसी ने कहा है कि दुनिया के बेस्ट आइडियाज़ कब्रिस्तान में दफन है। लोगों के पास आइडियाज़ थे, कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे ही चले गए। आपको मेरी एक बात बताता हूँ, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बुक समरी यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो उसके अगले ही मिनट मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या कॉन्टेंट अपलोड करूँगा। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट रेडी की उसी दिन, और मैंने रिकॉर्ड की, और जब रिकॉर्ड की, जब मैंने अपनी आवाज़ सुनी, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार इतनी गंदी आवाज़ कौन सुनेगा ये। तो मैंने अपने फ्रेंड को भेजा वो स्क्रिप्ट, और उसने, मैंने उससे कहा कि यार आप रिकॉर्ड कर दो। उन्होंने फ्रेंड ने रिकॉर्ड करके भेजी, फिर मैंने उसे एनिमेट किया। बट मैंने रियलाइज़ किया कि आप दोस्त पे भी कब तक डिपेंड रहेंगे, कब तक रिलाई करेंगे, उसे कब तक सताएंगे, मतलब हर 2-4 दिन में उसको बोलेंगे कि यार 10 मिनट की रिकॉर्ड कर दे, 15 मिनट की रिकॉर्ड कर दे। तो मैंने अपनी आवाज़ को एक्सेप्ट किया पहले तो, और मैंने सोचा मैं इसे इम्प्रूव करूँगा, एंड देन मैंने कुछ ढूंढना शुरू किया टेक्निक्स, भाई कैसे अच्छी आवाज़ बनती है। एंड अल्टीमेटली मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपकी आवाज़ अट्रैक्टिव होती है आपके कॉन्फिडेंस से। ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको पहले। तो जैसे जैसे मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, और कॉन्फिडेंस आता है जो बात आप कह रहे हो उसमें आप बिलीव करते हो, स्ट्रांगली बिलीव करते हो, तो आप वो बात कॉन्फिडेंटली कहते हो, और जब आप वो बात कॉन्फिडेंटली कहते हो तो आप अट्रैक्टिव लगने लग जाते हो, आपकी आवाज़ अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। अब देखो, यहाँ पर बात आती है पैशन की। मुझे वॉइस ओवर करना पसंद नहीं था, मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं थी, मैंने अपने दोस्त से करवाया था, लेकिन मुझे एनिमेट करना पसंद था, क्योंकि 1998 में जब मेरे पास पापा ने मुझे PC गिफ्ट किया था, उसमें एक सॉफ्टवेयर था कोरल मूव के नाम से, और वो उसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट होता था, मैं सीखता था, मुझे मज़ा आता था ये एनिमेशन के प्रोसेस से, कि यार कैसे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट होती चीज़ें। तो मुझे एनिमेशन पसंद था और मैं शायर भी था, तो मैंने सोचा एनिमेट करेंगे इसे, वॉइस ओवर करा लेंगे, एनिमेट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपका पैशन कभी भी आपको अकेला नहीं मिलता काम करने के लिए। अगर आपको एनिमेशन पसंद है तो उसके साथ आपको वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा, एडिटिंग भी करना पड़ेगी, थंबनेल भी बनाना पड़ेगा, टाइटल्स भी लिखना पड़ेंगे, और ऐसे में क्या होता है, लोग फिर छोड़ देते हैं दूसरे कामों से बोर होके। मान लो उन्हें वॉइस ओवर पसंद है, लेकिन एडिटिंग में वो बोर हो जाते हैं, कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा यार, वो काम ही छोड़ देते हैं। तो आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैशन कभी भी अकेला आपको नहीं मिलेगा, पार्ट ऑफ द पैकेज ही मिलेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया लाइफ में कि वीडियोज़ चलने लगे ये बुक चैनल के, और वहाँ से अच्छी खासी इनकम होने लगी। अब ऐसे में मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हुई थी, मुझे पता था एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो आपके जेब में पैसा डालें, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा ले जाएं। तो जब पैसा आने लगता है तो आमतौर पर लोग फ्लैशी थिंग्स खरीद लेते हैं, दिखावे की चीज़ें, महंगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, नई कार ले आते हैं, भाई पड़ोसी को दिखाना भी तो है कि हम कमा रहे हैं। ये लाइबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें आपको कमा के नहीं देती, जिसमें आपका पैसा और लगता है, वो लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स होती हैं बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट।
तो मैंने एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया पैसा, एंड मैंने सोचा कि यार इतनी महंगी महंगी किताबें हैं ये इंग्लिश की जो हिंदी में अवेलेबल भी नहीं है। आप देखिए जैसे ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, ये 65,000 रुपये की किताब है, आज भी आप अमेजन पर सर्च करोगे और ये हिंदी में अवेलेबल नहीं। तो मैंने सोचा ऐसी किताबें हैं, मतलब हमारा भी अधिकार है, हम भारतीयों का जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, कि वो भी ऐसी किताबों से सीखें। तो मैंने सोचा हमें एक ऐप शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता था, हज़ारों बुक्स हैं। तो मैंने जब सोचा उसी टाइम एक्शन भी लिया, मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि कैसा होगा ऐप, राइटर्स ढूंढना शुरू कर दिए, डेवलपर ढूंढना शुरू कर दिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढना शुरू कर दिए। एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में यह हुआ, जो डेवलपर मिला था वो आधा काम छोड़कर भाग गया। फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी कि यार अभी जब कोई डेवलपर नहीं मिल रहा है ये चले गया, ठीक है, मैंने सीखकर उसका बैकएंड को ठीक किया और 2018 में मैंने हम लोगों ने उसे लॉन्च किया। और लॉन्च करने के पहले ही दिन ये बुक ऐप ट्रेंड कर रही थी गूगल प्ले स्टोर पर, और फिर मैंने वो ट्रेंडिंग वाला स्क्रीनशॉट डेवलपर को भेजा कि देख भाई लॉन्च भी होगी, ट्रेंड भी कर रही है। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है यार। हम लोग एक्शन नहीं लेते क्योंकि हम मेंटली वीक होते जा रहे हैं, हमें आदत पड़ी है कंफर्ट की। एंड आपको पता है मेंटली, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होने के लिए एक बढ़िया सी चीज़ है आपको करना, ये है आपको खुद को पुश करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक घंटा ज़्यादा पढ़ लो, काम कर रहे हो एक घंटा ज़्यादा काम कर लो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2-4-5 रिपीटेशन ज़्यादा कर लो। इस तरह से आप खुद को, खुद के ब्रेन को, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान अपने 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, हम लोग 40% पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसे साबित करने के लिए हम अभी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपना राइट हैंड लो, ठीक है, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड ले लो, और अपनी पूरी ताकत से मुट्ठी बनाओ, पूरी जितनी ताकत है लगा दो, लगा दी, अब थोड़ी और ताकत लगाओ, लगी, अब थोड़ी सी और ताकत लगाओ। देखा आपने, आपके पास पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, आपने जब तक खुद को पुश नहीं किया था तो आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपने खुद को दो बार पुश किया तो आपने एक न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ को अनलॉक किया। तो इस तरह से खुद को पुश करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो पहली बात ये निकल के आती कि आपको एक्शन लेने में डिले नहीं करना है, हफ्तों महीनों सालों तक रुकना नहीं है। आप कुछ काम करने की आपने सोची है, आप उस पर कोई ना कोई एक्शन इमीडिएटली लो। दूसरी बात यह है, आप ये रियलाइज़ करो कि पैशन आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, और दूसरे कामों के चक्कर में, कि दूसरे कामों से बोर होकर अपना पैशन मत छोड़ दो, पैशन उनके साथ ही आएगा। आपको गिटार बजाना पसंद है तो आप जस्ट गिटार बजा के तो भीख ही मांग सकते हो, और उसके लिए भी आपको नुक्कड़ पर जाना पड़ेगा, कपड़ा बिछाना पड़ेगा, हो सकता है पुलिस वालों के डंडे भी खाने पाएँ। तो खाली गिटार बजा कर तो आप अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना सकते। तीसरी चीज़ हमने ये समझी कि स्पेंड वाइजली, जब पैसा आपके पास आने लगे तो एसेट्स में इन्वेस्ट करो, लाइबिलिटीज़ कम खरीदो, आपके एसेट्स से जो इनकम होने लग जाए ना फिर उससे लाइबिलिटीज़ खरीदो। और चौथी चीज़ हमने ये सीखी कि नेवर गिव अप। मेरा डेवलपर भाग गया था, दूसरा नहीं मिल रहा था, बट मैंने खुद सीखा एंड लॉन्च किया ऐप। और लास्ट में खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को पुश करते रहो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर।